अगर आप कोलकाता में रहते हैं और अगर आपसे कहा जाए कि आप मुझे खून दें और मैं आपको दुर्गा पूजा का वीआईपी पास दूंगा, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? आपको ये जानकर भले ही हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये 16 आने सच है और इस पहल को शुरू किया है रक्तदान को प्रोत्साहन देने के लिए। खबर के मुताबिक कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में 4 जून को बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर को आयोजित करने वाले दुर्गोत्सव फोरम ने इसके लिए बकायदा एक स्लोगन माँ के लिए रक्तदान का इजाद किया है। इस पास के जरिए रक्तदान करने वाले सपरिवार कोलकाता में करीब 200 पंडाल घूम सकते हैं। वैसे तो रक्तदान की तुलना महादान से की गई है, लेकिन पैसों के बदले रक्तदान को अपराध माना गया है। शायद यही वजह है कि कई लोगों को ये पहल रास नहीं आ रही। लोग तो रक्तदान के बदले बतौर गिफ्ट दुर्गा पूजा का वीआईपी पास देना भी ठीक नहीं मान रहे। हालांकि दुर्गोत्सव फोरम का कहना है कि रक्तदान करने वाले सही मायने में वीआईपी हैं और हम उनके प्रयासों को महज सम्मान देना चाहते हैं। वहीं मेडिकल बैंक के मुताबिक किसी तरह का लालच देकर रक्तदान करवाना अनैतिक है। एनएसईओ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मेडिकल बोर्ड का कहना है कि एक वक्त कोलकाता रक्तदान में दूसरे नंबर पर था, लेकिन आज ये 13वें नंबर पर है। उधर क्लब्स की ओर से रक्तदान के लिए लोगों को लालच देने की प्रतिस्पर्धा पर लगाम लगाने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक राज्य उन संगठनों से रक्त स्वीकार नहीं करेगा जो रक्तदान के बदले गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।